इस वीडियो के मुझे अरबों मिल सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी इलेक्शन का टेंशन कम था जो तुम ये भी दे रही हो? अगर ये वीडियो टेलीकास्ट हुआ तो टेंशन और बढ़ जाएगी। मैंने अपने बाप को मारा है, तेरे बाप को तो नहीं मारा ना? मेरे बाप को मारते तो और कीमत लेती। तो तू मुंह खोल ना। मुझे 200 करोड़ चाहिए। तो क्या 200 करोड़? इतने पैसों का क्या करोगी? लड़की हूँ, शॉपिंग के लिए पैसे तो चाहिए ना। बात को समझो भांजे, इस वीडियो में हम दोनों साफ नजर आ रहे हैं। ये मौके पे चौका तो मारेगी ना। दे दो, दे दो, दे दो। वो है तो एक 5-स्टार होटल, लेकिन अब वो बन गया है एक MLA क्वार्टर। अंदर अब बिरयानी नहीं पकती, लेकिन पकती है नोटों की खिचड़ी। आखिर यहाँ कौन सी मंडी लगी हुई है? चार दीवारों के पीछे जो चल रहा है वो ऊपर वाला ही जाने। राणा और चंद्रशेखर पाटिल के बीच छिड़ी राजनीतिक रस्साकसी के बीच कुर्सी किस तरफ खिसकेगी, कौन सा MLA किस टीम में जाता है, ये पल पल की खबर बॉबी के साथ एक्सक्लूसिव। ब्रेक के बाद। राम बाबू पर हुए जानलेवा हमले से पूरा राज्य सदमे में है। हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने जाने वाले हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, राम बाबू लेटे रहो, आराम करो। देखो, मैं यहां पर यह पूछने नहीं आया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है या फिर ये किसने किया, ना ही मैं CM की हैसियत से आया हूं। तुम्हारी इज्जत करता हूं इसलिए आया हूं। CM का पद बहुत ही बड़ा होता है, राज्य में वो सबसे ताकतवर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाए बिना ये कुर्सी किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर वो CM बन गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुर्सी की यह भयानक लड़ाई इस देश की बुनियाद को खोखला करके रख देगी। जब भी किसी राज्य का CM बदलता है ना, तो वो राज्य 10 साल पीछे चला जाता है। नए नेता, नए फैसले और नई स्कीम्स आती हैं। पुरानी सरकार के लिए गए अच्छे फैसलों पर भी पानी फेर दिया जाता है। इस देश को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। वो इस कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। CM बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता राम बाबू, जरूरी है लोगों की सोच बदलना। जनता में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो खड़े होकर हमसे सवाल कर सके। लोगों का पॉलिटिशियंस पर से विश्वास उठ गया है, पर उन्हें तुम पर भरोसा है। मीडिया में सिर्फ एक इंसान को लोग पूछते हैं, राम बाबू को। छोटी समस्या को भी तुम गंभीरता से लेते हो। आज हमारे राज्य की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब तुम कुछ करो। आई वॉन्ट टू सी योर एक्शन। बाबू टीवी पर लाइव आने वाला है। अरे चैनल क्यों चेंज किया? अरे ये तो राम बाबू है। सारे चैनल्स को अब एक साथ आना होगा। किसी भी चैनल पर और कुछ नहीं चलेगा, सभी पे सिर्फ राम बाबू होगा।
सारा दिन मेहनत करने के बाद जब हम घर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता वो भी टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। हमें यह जानना होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, इस देश में, हमारे राज्य में। न्यूज देखने के बाद हम क्या करते हैं? सुबह ऑफिस में गप्पे मार के बेफजूल के सुझाव देते हैं। बेफजूल के सुझाव? सालों से बेकार बैठा आदमी इस बात पर सुझाव देता है कि प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट के साथ देश के सुधार के लिए क्या करना चाहिए। जीवन में जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा वो इस बात पर सुझाव देता है कि धोनी को किस तरह बैटिंग करके चौके और छक्के मारने चाहिए। चाय की दुकान पर चाय सुड़कते हुए इस बात पर सुझाव आते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और किस देश से कैसे रिश्ते रखने चाहिए। पीरू अच्छा है या क्यूबा देश, इस बात पर भी सुझाव। अरे बराक ओबामा तो कुछ भी नहीं है, कोई देश चलाना हमसे सीखे। उल्लू उल्लू काट पे बैठे उल्लू। जिस तरह हम सबकी मां हमें प्यार से खाना खिलाती है उसी तरह ये सारे टीवी चैनल्स दुनिया भर में हो रहे अन्यायों को हमारे सामने लाते हैं। न्यूज देखकर हम क्या करते हैं? हम अपने देश को गाली देते हैं, नेताओं को गाली देते हैं, सरकार को कोसते हैं, इस बात का रोना रोते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश बेकार है, यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोसने से हालात नहीं बदलते हैं, हालात बदलते हैं अपनी सोच को बदलने से, खुद को बदलने से। आप खुद को बदलोगे तो देश जरूर बदलेगा। मैं यहां आज आपको भाषण देकर अच्छा नागरिक बनाने नहीं आया हूं, ना इसमें मुझे कोई दिलचस्पी है ना कोई शौक है। लेकिन आज साफ साफ बात होगी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। जानते हो ना आंध्र प्रदेश के हालात कितने खराब हैं? अगर 25 एमएलए पाला बदल दे तो हमारी किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगेगा, चलेगा तुम सबको? राणा जैसा क्रिमिनल हमारे सब में बैठ के चीफ मिनिस्टर बनेगा, चलेगा तुम सबको? ए तुम आज एमएलए को खरीदने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सब तुमसे वसूलेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ेगी, बस की टिकट के पैसे बढ़ेंगे। अगर वो सीएम बन गया तो तुम्हारी छाती पे मूंग दलेगा, चलेगा तुम सबको? प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो ना, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, टाइम देना होगा। लेकिन टाइम तो है नहीं आपके पास। फिल्म देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने का टाइम है, अपने लवर से घंटों बात करने के लिए आपके पास टाइम है, व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक की बात आ जाए तो आपके पास टाइम ही टाइम है, फेवरेट सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देखने का भी टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो देश के लिए नहीं है। किसके लिए? देश के लिए। दिन में सिर्फ एक घंटे के लिए देश के बारे में सोचो, एक घंटे के लिए। देश क्यों बदलेगा? देश क्यों बदलेगा? देश क्यों बदलेगा? एक घंटा सिर्फ दिन में। बदलाव लाने वाला आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं। उठो, खुद बदलाव लेकर आओ। दूसरों में हीरो ढूंढते रहते हो, खुद क्यों नहीं बनते हीरो? बंद करो नेताओं को कोसना। तुम यूथ हो? कैसे यूथ हो? कैसे यूथ हो? कैसे यूथ हो? ये तुम सब की लड़ाई है और तुम सब चाहते हो कि कोई और आकर तुम्हारे लिए लड़े। भगवान विष्णु भी खुद राक्षसों से लड़ने धरती पर आए और तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते। फैसला कर लो खुद के लिए लड़ोगे कि नहीं। मैं राणा को रोकने जा रहा हूं, अपने प्रदेश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, कल मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तुम साथ खड़े होगे कि नहीं? तुम साथ खड़े होगे कि नहीं? जो खुद की मदद नहीं करता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करता। आओ आओ, ये राम बाबू कल सुबह अकेले खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करेगा। आओ आओ आओ, आओ!